अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे भोला क्या कर रहे हो, उठ जाओ ना। नहीं जी अजी, अब हम किसी का कुछ बात नहीं सुनेंगे। जब तक आप लोग राजी नहीं होइएगा तब तक हम ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे। अब भैया जी नहीं सुनेंगे तो हम कैसे सुनेंगे। सच कहा था इसने, इसका दिमाग खराब है, पागल है नंबर का। आयुष्मान ये क्या नया तमाशा है? ये तमाशा नहीं है, मेरा पेशेंट है। अरे इसे लगता है कि मेरी गहना से शादी हुई है, मैं उसका पति हूँ, इसीलिए जिद कर रहा है घर जाने के लिए। अरे आयुष अगर इसे कोई रसम करनी है, कि गहना का पति था ना मंदिर में, उसके साथ रसम उसम कर रहा था, उसके साथ करे, तुम्हारे पीछे काय पड़ा है। हाँ और इसका दिमाग खराब है तो ये हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और अगर ये तुम्हें अगर अपना जीजा जी समझ रहा है तो समझे, हम क्यों इसके झूठे रिश्तेदार बनके इसके घर पे जाएं? हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे इसे कहाँ समझ में आता है कि गहना का पति कौन है? कभी किसी को समझता है कभी किसी को, अभी मुझे समझ रहा है और इसीलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हमारे पति किसी काम से बाहर गए, वो नहीं आ पाएंगे। हे लड़की, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पति आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, हम नहीं जाएंगे इसके साथ। शालिया तुम तो जानती हो कि मेरे पेशेंट मेरे लिए कितने जरूरी हैं। अब इसकी तबीयत ठीक करने के लिए अगर ये नाटक करना पड़ेगा तो मैं ये नाटक जरूर करूंगा। और भाई ने तो कसम भी खाई है ना कि वो हमेशा मरीजों की मदद करेंगे, क्यों भाई? हाँ खाइए बुआ जी, चलते हैं ना। चलिए प्लीज बुआ जी, इसकी हालत तो देखिए। ठीक है ठीक है, अब हमारा दिमाग मत खराब करो। तुम अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभाना चाहते हो तो चलेंगे इसके घर, कर लेंगे हम हो एक नाटक। हाँ और वैसे भी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बहुत ही भूख भी लग रही है, चल के खाने ही खा लेंगे। वाह बस यही देखना बाकी रह गया था, एक चोरनी के घर पे जाके चोरी किया हुआ खाना भी खाना पड़ेगा। बोला देखो हम सब तुम्हारे घर जा रहे, अब खुश? अरे बहुत खुश जिया जी, अब चलिए घर। जितना इन रोज रोज के तमाशे से निकलने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही इनमें फंसता जा रहा हूं, पता नहीं अब आगे और क्या नया तमाशा होगा। कुछ तो खिचड़ी पक रहा है डॉक्टर साहब और अमरीकाना के बीच में, पता लगाना पड़ेगा। ये लोग मुझे गहना के घर ले जा रहे हैं, पर वहाँ अगर उसकी माँ और दादी ने मुझे पहचान लिया कि मैंने ही अपनी कार से उन्हें टक्कर मारी थी तो पता नहीं क्या होगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बुलवा रहे हैं हमसे। पत्नी तो बनाया नहीं हमें, झूठी बना कर रख दिया। मैंने झूठी बनाया तुम्हें? तुमने तो मुझे जबरदस्ती का पति बना लिया था। हमने नहीं बनाया आपको पति, तो पहले तो आपने भोला भैया का दिमाग खराब है ये बताया सबके सामने, और अब हमारे घर वालों के सामने हमें झूठी बनाएंगे का? अरे तो शुरुआत तो तुमने ही की थी ना, तुम आई थी ना मेरे घर पे गुंगा तोड़ के। अब इस झूठ को आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अपने परिवार को हमारी पकड़वा शादी के बारे में पता नहीं चलने दे सकता। काहे पता नहीं चलने दे सकते, एक बार के सबको बताकर सब खत्म कर दीजिए ना। अरे मैं तो हमारी शादी को खत्म करना चाहता हूँ, पर तुम करने कहाँ देती हो? आपके कहने पे बनारस से गांव आ तो गए, तो कब भगवान के पास चले जाए आपसे पीछा छुड़ाने के लिए? भगवान भी नहीं रखेंगे तुम, कहेंगे वापस जाओ, परेशान करो आयुष्मान को। तो
आप मानकर ही नहीं लेते कि भगवान ने भी हमारा नाम लिखा आपकी किस्मत में। नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा हमारी शादी को। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मिलकर हमारी पकड़वा शादी करवाई थी, तो तुम झूठ की बात नहीं करो तो अच्छा होगा। बस कुछ देर का साथ है, निभा लो। हम तो जिंदगी भर आपका साथ निभाने के लिए तैयार है। तुम्हें ए लड़की, पति पत्नी होने का तुम लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हो अपने भैया के लिए। सादा हीरोइन बनकर ना इसको सच मानने की गलती मत करना, समझी? आलिया, इट्स ओके, जाने दो, हम अंदर चले। अब नहीं, वो मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं कॉल करके आती हूँ। माई, अरे माई तू ये सब क्या कर रही है? ठीक तो है ना अभी? अरे अब हम एकदम ठीक हैं, थोड़ा कमजोरी लग रहा है, ठीक हो जाएगा। चलो जमाई बाबू के साथ रस्म करते। अब रस्म के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रस्म के लिए सिर्फ जीजा जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार भी साथ आया है। का? बस पहुंच गए अब। गहना, ये तेरे ससुराल वाले? ये तो पता नहीं तुझे काका बोल रहे थे। अरे हो गई होगी कोई बात, बड़ी है, हो रही होंगी गुस्सा, जाने दीजिए ना। इसके ससुराल वाले पहली बार आए, ऐसे भी हम लोग लड़की वाले थोड़ा सर तो झुकाना पड़ता है ना। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्ते जी, आप तो हमारी बेटी के ससुराल वाले हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ, कुछ गलत फहमी हो गई थी पहले, पता नहीं काका बोल दिया हम आपको, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अजीब नौटंकी है इन सब की, एक पागल के चक्कर में पूरा परिवार नाटक करने में लगा हुआ है। करना पड़ता है, हम भी तो यहां तक आ गए हैं भाई के लिए। बुआ तो बहुत अकड़ू है, अकड़ निकाल दो इसकी। अरे जाने दीजिए ना अम्मा। अब आप सब आ गए हैं तो रस्म पूरा कर लेते हैं, आइए ना जमाई बाबू। ए पिंटू, चारपाई बिछाओ जल्दी जल्दी। आइए जीजा जी, बैठिए जीजा जी। हम अभी आते हैं। हम आपके लिए एक और खटिया लेकर आते हैं। अरे नहीं, हम खड़ी थी। अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, सब जिद्दी। बैठ जाइए बुआ जी। अरे बैठिए, बैठ रहे, बैठो रोज, आप लोग भी बैठिए ना। बैठिए, जमाई बाबू आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, इसलिए हम रस्म से पहले आपका पैर धुलवाएंगे थाली में। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है,
पाओ तो मैं अपने खुद धो लूंगा। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, ये भी रसम ही है। हर सास अपने जमाई का पैर धुलवाती है। उतारिए ना जूता, उतारिए। जिया जी रसम है, इसमें शर्माइए मत, पाँव आगे कीजिए। चलिए अब आप लोगों के गृह प्रवेश की रस्म करते हैं। इसमें पैर रखकर अब आप गृह प्रवेश करिए। रुकिए जिया जी, क्या हुआ? जिया जी, पति पत्नी दोनों एक साथ गृह प्रवेश करते हैं तो ज्यादा शुभ माना जाता है। गहना, तुम भी अपना दायां पैर बढ़ाओ। जिया जी, आप भी अपना दायां पैर बढ़ाइए और एक साथ कदम रखिए घर में। आप इस शादी को माने या ना माने, पर हम तो आपको अपना मानते हैं और हमें रस्म कर कर खुशी हो रही है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। अब ये रस्म तो अच्छा तरह से हो गया। आप लोग पहली बार घर आए हैं, हम जल्दी से कुछ खाना बनाते हैं, खाना खा कर जाइएगा। अरे नहीं नहीं, खाने वाने का रहने दो, देखो। नहीं नहीं, आप मना नहीं कर सकते हैं, हम एकदम जल्दी बना लेंगे, खाना तो खा कर ही जाना पड़ेगा। आई आते और कहना की शादी की फोटो अगर बुआ जिया माँ ने देख ली तो आज हमारी पकड़वा शादी का सारा सच सामने आ जाएगा। आई होप किसी ने यहाँ पर मेरी गाड़ी देखी नहीं होगी। उस कहना के घर पे तो जाने से रही, क्योंकि अगर चले गई तो सबको पता चल जाएगा कि एक्सीडेंट मैंने ही किया था। मुझे यहीं छुपना होगा। शक्ति सिंह से कोई चीज नहीं छुपती सफेदी की चमकार वाली मैडम जी। हमसे यहाँ कोई चीज नहीं छिप सकती। यहाँ हम यहाँ का है ना मैडम जी, ये खपुरिया गांव है, यहाँ एक पत्ता भी हमारी मर्जी के बिना नहीं गिर सकता। और आप है कि राज छुपाने चली हैं। ऐसे कैसे चलेगा मैडम जी? राज? कौन से राज की बात कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
सच का है तुम्हारे मुंह से निकलवाना पड़ेगा गौरी मैडम। उगा मैडम, सच तो हमें पता है। कौन सा राज है ये हमें पता है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आखिर माजरा का है, ये आपका पूरा का पूरा परिवार ही गहना के घर में पधारा काए है, क्या खिचड़ी पकड़ा है, गात का चल का रहा है। थैंक गॉड इसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, ये तो कुछ और ही पूछ रहा है। अरे बताइए ना मैडम, आखिर चक्कर का है वो क्या है ना कि आपने बोला ना इस गांव में पत्ता भी नहीं हिलता आपकी परमिशन के बिना, वो भोला का दिमाग खराब है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। हाँ दिमाग तो खराब है भोला का, एक गहना का पकड़वा ब्याह भी उसी ने करवाया था, यही सारी मुसीबत की जड़ है। इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो आपका कुछ समझ ही नहीं आता। एक तरफ कहते हैं कि हम इस शादी को नहीं मानते, इस रिश्ते को नहीं मानते, और दूसरी तरफ हमें बचाने के लिए अपना हाथ जला लिया। पता है मैंने तुम्हें क्यों बचा? क्योंकि हम आपकी जिम्मेदारी है। और आपको पता है कि हम क्या मानते हैं? ये हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार आप हैं। क्या मैं जिम्मेदार हूँ इसका? हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमें जो कुछ भी होना होता वो हो जाने देते, कम से कम आपका पीछा तो छूट जाता। हमारे लिए अपना हाथ कैसे जला लिया, अब लगा लीजिए इसे चुपचाप। अरे कहा ना जरूरत नहीं, मेरी कार में दवाई रखी है, इससे ज्यादा असर करेगी। डॉक्टर होकर ये भी नहीं समझते कि दवा के साथ दवा देने वाले के प्यार से भी असर होता है। ये तुम मुंह में क्या बोलती रहती हो, इधर सामने बोलो ना। हम ये कह रहे कि आप शायद ये भूल रहे कि पिछली बार हम ही ने आपको लेप लगाया था और तब जाकर आप ठीक हुए थे। अब लाइए दीजिए अपना हाथ। भाई ये लीजिए और संभाल के रखिए, इस बार तो बाल बाल बच गए वरना सारा सच घर वालों के सामने आ जाता। आगे से संभल के रहना। देवर जी तनिक जरा सुनिए, हम आपसे पहले ही माफी मांगते, हमें आपसे ये कहना नहीं चाहिए। अरे पर ये हालिया जी डॉक्टर बाबू से ज्यादा ही नहीं चिपकती, मानते हैं उनकी शादी आपके साथ होने वाली है, पर हर वक्त आयुष्मान आयुष्मान आयुष्मान, अरे ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। जब देखो तब इनके आगे पीछे मंडराती रहती है, हमें तो ऐसा लगता है उनको आपसे ज्यादा ना इनकी चिंता रहती है। तनिक जरा समझाइए ना उन्हें, इसे अपने जेठ जी को चिपकना अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाँ हम मानते हैं कि शहर में थोड़े खुले विचारों वाले लोग होते हैं, अरे और थोड़ी शर्म नाम की भी कोई चीज होती है ना। हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगा आलिया को, आप लोग ध्यान रखना। हाँ आप जाकर उन्हें समझाइए और हम इन्हें समझाते हैं। ठीक है। यहाँ आयुष्मान गहना की जान बचाने के लिए अपने हाथ जला रहा है, पर बजाय ये देखने के कि इन दोनों का क्या नाटक चल रहा है यहाँ पर, ये आलिया भी ना पता नहीं कहाँ चली गई है, और ये लड़की भी ना तेरा फोन भी नहीं उठा रही है, क्या करूं? देखिए डॉक्टर बाबू आप तुम देखो, सादा मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो। हाँ जानते हैं आप हमें अपनी पत्नी नहीं मानते, पर हम तो आपको अपना पति मानते हैं ना, और कोई अगर आपको अगर चिपकेगा मधुमक्खी की तरह आपके अगल बगल भंडराता रहेगा तो हमें बुरा नहीं लगेगा क्या? क्यों बुरा लगना चाहिए तुम्हें, जब हमारे इस पति पत्नी के रिश्ते के कोई मायने ही नहीं है, भूल गई हो क्या तुम? पकड़वा शादी हुई है हमारी, ये शादी ये फोटो सब बकवास है मेरे लिए, और मैं नहीं मानता हूं इसे। वाह डॉक्टर बाबू, हमारा दिल तो तोड़ दिया आपने, और ये शादी वाली फोटो ये तोड़ी नहीं गई आपसे, आप तो हमारी शादी को नहीं मानते ना। खैर अभी फोटो की चिंता मत कीजिए, आप चाहते हैं ना कि किसी को ना दिखे, तो हम इसे पड़ोस वाली चाची के यहाँ रख कर आ जाएंगे,
जहाँ कोई से गलती से भी नहीं देख पाएगा। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।